नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सेम साइज के दो पीसेस तैयार कर लिए हैं। लाइनिंग सेंटर में रबर सीट, ऊपर से मैन फैब्रिक के इसमें सिलाइयां लगा ली हैं। विड्थ इनकी 14 इंच और लेंथ इसकी 10 इंच। अब एक पीस लेंगे, यहां से 2.5 इंच में निशान लगाएंगे, यहां से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को ऊपर की तरफ 2.5 इंच तक खींच लेंगे। अब इसे मिला लेंगे, इसी तरह इधर भी निशान लगा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब इन्हें अलग रख देंगे। अब देखिए, सेम साइज के दो कपड़े के सिंगल पीसेस मैंने और लिए हैं। विड्थ इसकी 14 इंच और लेंथ है इसकी 6.5 इंच। अब देखिए, यहां से हम नीचे की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, इस निशान को अंदर की तरफ हम हाफ इंच तक खींच लेंगे, यहां से भी निशान लगाएंगे, इसे भी हम अंदर की तरफ हाफ इंच तक खींच लेंगे। अब देखिए, इस निशान तक हम एक कट लगा लेंगे। ये देखिए, अब देखिए इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे जहां तक ये कट है। अब यहां से यहां तक एक सिलाई लगा लेंगे, इसी तरह इसे भी फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे कट तक, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे यहां तक कट तक फोल्ड करेंगे। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। अब एक पीस लेंगे, इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगा देंगे। दूसरा पीस लेंगे, इसे भी रखेंगे इस तरह से, एक सिलाई यहां से यहां तक लगा देंगे। ये देखिए, अब इस कपड़े को नीचे की तरफ पलटेंगे, यहां से यहां तक एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे इस तरह पलटेंगे, यहां से यहां तक एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस तरह रखेंगे इसके ऊपर, इस तरह बराबर। अब देखिए, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। अब इन सभी सिलाइयों को हम कपड़े की पट्टी से कवर कर लेंगे। देखिए, सिलाइयों को हमने कपड़े की पट्टी से कवर कर लिया है। अब इसे पकड़ेंगे इस तरह, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पकड़ेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इन्हें भी कपड़े की पट्टी से कवर कर लेंगे। अब इसे यहां से सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हम इसे इस तरह रखेंगे बराबर। अब यहां से इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से इस तरफ 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसी तरह सेंटर के निशान से इस तरह 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से इस तरह भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए, इसके लिए सेम साइज के दो हैंडल हमने तैयार किए हैं। लेंथ इसकी 24 इंच। अब देखिए, नीचे वाले कपड़े को नीचे की तरफ करेंगे, नीचे से कपड़ा आना नहीं चाहिए। एक हैंडल लेंगे, हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस निशान पर रखेंगे, इसकी चार तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसका दूसरा सिरा लेंगे, इसे भी हाफ इंच नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, इसके भी चार तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए, दोनों हैंडल हमने सेम तरीके से जोड़ लिए हैं। अब देखिए, इसी कपड़े की मैंने दो पतली डोरियां तैयार की हैं। आप चाहें तो रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं। लेंथ इसकी 34 इंच। अब एक सेफ्टी पिन लेंगे, एक डोरी लेंगे, यहां से डाल लेंगे। इसे घुमाते हुए वहीं ले आएंगे जहां से हमने डोरी डालनी शुरू की है। अब दूसरी डोरी लेंगे, अब इसे यहां से डालेंगे। ये देखिए, अब देखिए, दो सेम साइज कपड़े की पीसेस लिया मैंने 3x3 इंच। एक पीस लेंगे, इसे कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे, इन दोनों डोरियों को लेंगे, इस तरह रखेंगे सेंटर में,
इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे, यहां से फोल्ड कर लेंगे हल्का सा ऊपर की तरफ, देखिए इस तरह। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे, ये देखिए। अब इसे पलट लेंगे, ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। जिसे भी चैन लगाने में परेशानी आती है वो इस तरह से बैग बना सकता है, इसे आप लंच बैग की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह यूज कर सकते हैं।